हेलो किड्स, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। टेक आउट योर हिंदी स्वर रचना बुक एंड ओपन योर इंडेक्स। तो स्टूडेंट्स, इंडेक्स में आपको दिखाई दे रहा है जहां जहां मैंने पेंसिल से टिक किया है वो चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं फर्स्ट टर्म में। तो अब हम चैप्टर नंबर 2727 से लेकर चैप्टर नंबर 45 तक सेकेंड टर्म में कंप्लीट करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, उसके पहले सेकेंड टर्म की स्टडी शुरू करने से पहले मैं आपकी रिवीजन करवा देता हूं। ओके, तो बच्चा ये है स्वर अ, पान क्रमांक 4। स्टूडेंट्स, यह लिखा है अ से शुरू होने वाले शब्दों के चित्र पहचानो। तो बच्चों, यहां पर आपको दो चित्र दिए गए हैं और उनमें से आपको चित्र पहचानना है। ओके, तो स्टूडेंट्स बोलो ये किसका चित्र है? ये है अनार। ओके, ओ किस तरह लिखा जाता है ये आपको पढ़ाया गया है। ओके, तो आपको सिर्फ ये बुक निकालनी है और एक बार पढ़ना है। अ से अनार, अ से अदरक, ओके बात आता है आ, आ से आम, आ से आग, आ से आलू, आ के बात आता है स्वर ई, ई से इडली, ई से इमली, ई से इमारत। नेक्स्ट बड़ा वाला ई, ई से ईद, ईद एक त्योहार होता है। ई से ईख, ई से ईट, जो कि घरों के बांधकाम में इस्तेमाल किए जाते हैं। ऊ से उपहार, मतलब बख्शीश, गिफ्ट। ऊ से उल्टा, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन, ऊ से ऊपर, दूसरा ऊ, सॉरी वही हुए हो, ऊ से ऊंट। नेक्स्ट रु, रु से ऋतु, ऋतु मतलब सीजन, रु से ऋषि। ए, ए से एडी, ए से एक, ए से एक तारा, ऐ, ऐ से ऐनक, ऐ से ऐरावत, ऐ से ऐलान, ऐलान मतलब पुकारना, जैसे कि कुछ नेता लोग भाषण देते स्पीकर पे, ऐसा ना। ओ, ओ से ओखली, ओ से ओस, ओस मतलब पानी का बूंद, ओ से ओढ़नी, औ, औ से औरत, औ से औषधि, औ से औजार, औजार मतलब जो खेती के कामों में इस्तेमाल किए जाते हैं उन चीजों को हम औजार कहते हैं। अम, अम से अंक, सॉरी अंक, अन से अंक, अन से अंगूर, अंगूर मतलब ग्रेप्स, अन, अन से अंडा, आहा। तो स्टूडेंट्स, अ से लेके आ तक स्वर की हमने रिवीजन की है। तो कल मैं आपको आगे का सिलेबस पढ़ाने वाला हूं। सो स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आपको रिवीजन करनी है। ओके, जहां तक मैंने अभी आपको बोला है। ओके, सो स्टूडेंट्स बेस्ट लक, थैंक यू।